सलामैकम आज हम स्टार्ट करेंगे वाटर सोलबल विटामिनस वाटर सोलबल विटामिन हमने जब पिछली बार किए थे फैट सोलेबल विटामिनस तो हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन बनाई थी तो वाटर सोलबल विटामिनस वो होती हैं जो वाटर में सोलबल हों और फैट में इन सोलबल हों तो वाटर सोलबल विटामिन हमारे पास कौन कौन सी थी बी कॉम्प्लेक्स पूरा एंड सी विटामिनस अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी विटामिनस आती हैं विटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी नाइन एंड बी ट्वेल्व इनका मेन जो फंक्शन है वो को इन्जाइम एंड को फैक्टर्स फॉर सन्ट एंड रिएक्शंस है एंड फेट सॉलेबल तो हमने कर ली थी आज हम करेंगे विटामिन बी बी कॉम्प्लेक्स अ ग्रुप ऑफ विटामिन बी वाटर सोलबल विटामिन ऑप्टेन फ्राम लिवर यीज एंड अदर सोर्स आर फाउंड इफेक्टिव फॉर ग्रोथ एंड एपीटाइट रिड्यूज शुगर कॉन्टेंट इन डायबिटीज हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इन्फेक्शन एंड आर कलेक्टिवली नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अब विटामिन बी वाटर सॉलिबल विटामिन है वो हमें लिवर और य से मिलती है उनका मेन सोर्स यही है लिवर एंड यीस्ट विटामिंस बी हमारे पास ग्रोथ के लिए एपिटाइट के लिए और हमारी वो शुगर कम करती थी डायबिटिक पेशेंट में द न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंट विटामिन रिक्वायर्ड बाई द बॉडी थ्रू वेरियस सोर्स ऑफ फूड आर विटामिन बी वन बी टू बी सिक्स बी थ्री बी थ्री को कहते हैं नियासिन और निकोटिनिक एसिड एंड विटामिन बी ट्वेल्व साइनो को थायमिन विटामिन बी वन एंटी थायमिन विटामिन बी वन एंटी न्यूरेटिक फैक्टर एंड न्यूरिन एंटी न्यूरेटिक क्योंकि वो न्यूरेटिक्स से हमें प्रिवेंट करती है न्यूरेटिक्स हमारे पास क्या होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व सेल्स हो जाए उनको हम कहते हैं न्यूरोटाइटिस इसलिए ये एंटी न्यूरेटिक फैक्टर है विटामिन बी वन इज़ अप ऑफ पायरोडीन एंड थाइोल रेडी विटामिन बी वन हमारे पास किससे बनती है पायरोटीन एंड थायजोल रेजिट्यूज से विटामिन बी वन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड मटीरियल्स बट इट इज कॉन्टेंट इज़ वेरी स्मॉल इट इज़ अबंडेंट इन लिवर किडनी होल सीरियल ग्रेन नट एग यॉक फ्रूट एंड लिग्यूम्स ये हमारे पास ऑल टाइप ऑफ फूड्स में मिलती है लेकिन ये अबंडेंट लिवर किडनी ग्रेन्स नट्स एग ॉक एंड फ्रूट्स में होती है बाई आई इनप्रोपर कुकिंग एंड टू मैनी वॉशिंग थामीन प्रेजेंट इन दिस फूड मटीरियल कुड बी लॉस्ड जैसी हमारे पास सब्जियाँ ताज़ी होती हैं क्या करते हैं हम उसको बार बार धोते हैं धोते हैं इन धोने की वजह से उनमें से जो विटामिन बी वन होता है वो लॉस हो जाता है विटामिन बी वन इज़ यूजफुल फॉर ग्रोथ एंड यूज एज को इन्जाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज़्म जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट उनमें ये को इन्जाइम के तौर पे एक्ट करती हैं इट डेफिशिएंसी लीड टू बेरी बेरी हार्ट फेल्यूर एंड मेंटल डिस्टरबेंस। पहले ही हमने पढ़ा था ये एंटी न्यूरेटिक फैक्टर है इसलिए मेंटल डिस्टर्बेंस हर्ट फेल्यूर एंड बेरी 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 हमारे पास टू टाइप्स की होती है एक ड्राई होती है और एक वेट होती है लॉस ऑफ वेट कास्ट कॉन्स्टिपेशन डेली रिक्वायरमेंट इज रिकमेंडेड इज 1.1 पॉइंट वन टू वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम रेंज है इनके बीच में इनके बीच तक हमारे पास डेली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए विटामिन बी वन की वाइटामिन बी टू राइबोफ्लेवन और लेक्टोफलेवन रेबोफ्लेविन इज आल्सो कॉल्ड इज बी टू एंड इज फॉलोइंग फार्मूला इट इज़ फाउंड इन मिल्क एग लिवर लीफी वेजिटेबल्स होल मील फ्लोर फिश पोल्ट्री राइबोफ्लेवन इज रिलेटिवली हीट स्टेबल बट डिस्ट्रॉइड बाई लाइट एंड डिसअपियर्स फ्राम मिल्क वेन ए स्कीप्ड इन सन लाइट अब रैबोफ्लेवन क्या है हमारे पास मिल्क में प्रोड्यूस होती है होती है एग में लिवर में एंड वेजिटेबल्स में लेकिन ये हीट स्टेबल होती है ये हीट को बर्दाश्त कर सकती है अगर हम मिल्क को सनलाइट में रखेंगे तो उसमें से राइबोफ्लेविन डिसपियर हो जाएगी इस डेफिशिएंसी लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ टंग एंड आल्सो काजेज आई डिजीजेस एनीमिया एंड शेप्स पुअर जनरल हेल्थ अगर राइबोफ्लेविन की डेफिशेंसी हो जाए तो इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ हो जाएगी टंग एंड आसो काज़ेस आई डिजीज़ेस एनीमिया हो जाएगी मतलब ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे रेड ब्लड सेल्स एंड शेप पुअर गुड हेल्थ मींस उस इंसान की जनरल हेल्थ पुअर हो जाएगी डेली रिक्वायरमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड एज 1.3 टू 1.7 मिलीग्राम्स विटामिन बी सिक्स विटामिन बी सिक्स केमिकली इट बिलोंग्स टू पैरोडिकसिन एंड इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आल प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज सीरियल ग्रेन्स वाइट ग्रेन्स एंड मिल्क एंड एग्स तकरीबन एग्स में और मिल्क में तकरीबन ऑल विटामिन होती हैं एग में तो होती होती हैं ग्रेन में वेजिटेबल्स में इट इज़ रिक्वायर्ड बाई द बॉडी फॉर इट्स मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ ये मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ में बहुत काम आती है इन द फॉर्म ऑफ कोम्स फॉर अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स मेटाबोलिज्म विटामिन बी वन जो थाइमीन थी वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिसिक्स में यूज़ हो रही थी लेकिन विटामिन जो हमारे पास बी सिक्स है पायरडोक्सिन वो फेट एंड अमाइनो एसिड के मेटाबोलिक्स में हेल्प होती है इट्स डेफिशेंसी काज स्किन डिसऑर्डर्स इसकी डेफिशिएंसी क्या काज करेगी स्किन डिसऑर्डर डेली डोज इस कितना है 2.2 मिलीग्राम इट लूज एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर एंड हीट तकरीबन ऑल विटामिन सनलाइट निकोटेनिक एसिड और नियासिन विटामिन बी थ्री कहते हैं हम इसको दिस कंपाउंड इज यूज एज विटामिन एंड इज ड्राइड फ्रॉम पायरडीन ये विटामिन के तौर पे हेल्प होती है और ये ड्राइव कहाँ से होती है पायरिडीन से इसको हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं इसकी जो मेन सोर्स है वो है लिवर मीट यीस्ट, पीनट्स आर द गुड सोर्स ऑफ निकोटिनिक एसिड इट इज़ स्टेबल टूवर्ड्स हीट लाइट एसिड एंड अल्कलीज एक विटामिन हमारे पास कौन सी थी ई जो हीट स्टेबल थी कुछ 200 तक कर रही थी लेकिन हमारे पास विटामिन बी थ्री है जो कि हीट स्टेबल है इट डेफिशेंसी कॉल मेंटल डिस्टर्बेंस डायरिया स्किन लेजन, प्लेग्रा गेस्ट्रो एंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस इसकी डेफिशेंसी मेंटल डिस्टर्बेंस करेगी। हम इसको कहते हैं थ्री डीज न्यासिन की जो डेफिशेंसी है कॉमनली हम इसको नाम देते हैं थ्री डीज थ्री डीज का जो एब्रीवेशन है डायरिया डिमेंशिया डर्मेटाइटिस ठीक है प्लेग्रा भी हम कहते हैं नॉर्मली नियासिन की डेफिशिएंसी को हम थ्री डीज से रिकॉग्नाइज करते हैं डायरिया डिमेंशिया डर्मेटाइटिस डेली रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी फोर्टीन टू नाइनटीन मिलीग्राम अब हम आते हैं लास्ट विटामिन ऑफ द वाटर हॉलेबल विटामिन वॉट विटामिन सी एसिड आपने नाम सुना होगा एसिड इट इज अबली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स में मिलती है हमारे पास सच इज ऑरेंज लेमन ग्रे फ्रूट स्ट्रॉबेरीज एंड गावा एंड वेजिटेबल्स इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो कॉलीफ्लावर केबेज एंड पोटेटो इट इज एबसेंट इन मीट एग एंड फिश आलमोस्ट ऑल विटामिन प्रजेंट इन मीट एंड एग But this is the one vitamin, vitamin C, which is absent in meat, egg and fish. Remember this, vitamin C is not present in meat, egg and fish. It is soluble in water. It is easily destroyed by heat and oxidation, washing of vegetables and improper cooking, especially in materials of iron, copper. It is water soluble. Hai. हीट से और ऑक्सीडेशन से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर हम वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे या इनप्रॉपर कुकिंग होगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी आयरन और कॉपर से भी क्विक फ्रोजन फूड डज नॉट कंटेन डिस्ट्रॉय विटामिन सी जो लोग खाना पकाते हैं और फ्रीज़ कर देते हैं कुछ डेज़ के लिए उनमें से उनमें विटामिन सी डेस्ट्रॉल नहीं होती है क्योंकि ज़्यादा पकाने से विटामिन सी डेस्ट्रॉल हो जाती है डेफिशेंसी ऑफ विटामिन सी लोअर्स बॉडी रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड काजेस ब्लीडिंग ऑफ टीथ गम्स जिसे हम कहते हैं स्कर्वी गम्स गम्स में जो ब्लीडिंग होती है ना वो विटामिन सी की वजह से होती है उसकी डेफिशेंसी और ये बॉडी रेजिस्टेंस को लोअर कर देती है जिस इंसान में विटामिन सी कम है ना उसे इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है केमिकल फार्मूला इसका किसी विटामिन का केमिकल फार्मूला नहीं है वे स्ट्रक्चर है लेकिन इसका केमिकल फार्मूला है सी सिक्स एच एट ओ सिक्स रिमेंबर दिस फार्मूला अब इसके फंक्शंस क्या है इट इज़ एसेंशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा सेल्युलर सीमेंट सब्बिस्टेंस इन वेराइटी ऑफ टिश्यूज इंक्लूड स्किन डेंटाइन एंड बोन मैट्रिक्स जी शायद आपने पढ़े हों इंट्रा सेलूलर जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं बोन मैट्रिक्स होता है स्किन डेंटाइन होता है ये क्या करते हैं ये सब एक टिश्यूज में होते हैं बोन मैट्रिक्स उसमें सेल्स होते हैं फाइबर्स होते हैं ये उसका ये विटामिन सी का इसमें मेन रोल है इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वाउंडस ये हील करवा देती है जल्दी वाउंड्स को एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स जो भी फ्रैक्चर होता है चोट लगती है इसको जल्दी हील करवा देती है विटामिन सी और विटामिन बी भी विटामिन के सॉरी विटामिन के क्या करती है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है And of iron. ये क्या करती है एंड आयरन की एबजॉर्बेशन करवाती है अब हम क्या करते हैं नट शेल में देखते हैं विटामिन का विटामिन ए का केमिकल नेम हमारे पास क्या था रेटिनोल इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी थी थाउजेंड माइक्रोग्राम इट्स डेफिशेंसी लीड टू नाइट ब्लाइंड अगर ट्रीट नहीं हुई तो जीरो प्थेल्मिया. एंड इसकी जो प्री क्या था कैरोटीन विटामिन बी का केमिकल नेम क्या था हमारे पास कोलिकल्सीफिरोल इसकी डेफिशिएंसी रिकेट्स काज करती है इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट हमारे पास थी वो थी सेवन माइक्रोग्राम सेवन पॉइंट फाइव माइक्रोग्राम इसकी जो कैरोटीन जो डी का जो प्रीकर्सर वो है हमारे पास सेवन जी हाइड्रोकोलेट्रोल विटामिन ई हमारे पास थी टोकोफिर इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट हमारे पास थी वो थी फिफ्टीन मिलीग्राम इसकी जो डेफिशिएंसी है वो हीमोलाइटिक एनीमिया कास करती है और ये क्या करती है इंक्रीज इंक्रीज़ करवाती है हमारे काग्यूलेशन अब विटामिन के विटामिन के को हम कहते हैं मेनाक्योनॉन ये भी फेट वॉल्यूबल है इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वन ट्वेंटी माइक्रोग्राम है ये हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करती है एंटी फैक्टर है ये भी इंक्रीज़ करवाती है काग्यूलेशन ठीक है अब हम देखते हैं विटामिन बी विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स है वाटर सॉल्यूबल है ये हमारे पास क्या है फै को इन्जाइम्स और कोफैक्टर के तौर पे हेल्प होते हैं विटामिन बी वन को हम कहते हैं थाइमीन जो कि डेफिशेंसी अगर उसकी हो जाए तो वो काज करवाती है हमारे पास कोई भी बेरी बेरी हो बेरी बेरी अब हमारे पास टू टाइप्स की होती है बेरी बेरी ड्राई और वेट विटामिन बी को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी है वो हमारे पास लिवर डैमेज हर्ट डिजीजेस मेंटल रिटार्डनेस ये काज करवाती है विटामिन डी हमारे थ्री हमारे पास न्यासन है न्यासन की जो डेफिशिएंसी है वो थ्री डीज़ काज करवाएगी डायरिया डिमेंशिया डर्मेटाइटिस एंड प्लेग्रा विटामिन बी हमारे सिक्स थी हमारे पास पायरिटॉक्सिन वो काज करवाती है एनीमिया एंड नर्व डैमेज अब इनकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी थी विटामिन बी की जो वन की जो बी वन की जो डेली रिक्वायरमेंट है मिलीग्राम बी टू की है वन पॉइंट थ्री मिलीग्राम विटामिन बी थ्री की है हमारे पास सिक्सटीन मिलीग्राम एंड विटामिन सी की हमारे पास है वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट सेवन मिलीग्राम ठीक है अब विटामिन सी हमारे पास क्या है एस्कॉर्बिक एसिड इसकी डेली रिक्वायरमेंट है वन ट्वेंटी माइक्रोग्राम ये हमारे पास विटामिन सी की जो हमारे पास डेफिशिएंसी है वो स्कर्वी काज करवाती है स्कर्वी अब इनके कुछ फैक्टर्स हैं ये को इंजाम और को फैक्टर्स के तौर पे हेल्प करते हैं ना इनके एक एक फैक्टर आप याद कर लें विटामिन ए का विटामिन बी वन का जो फैक्टर है थायमिन थायमिन फॉस्फेट है थैमिन पायरोफोस्फेट विटामिन बी टू जिसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन उसके बहुत सारे हैं एफ एम एन है फ्लेवन मोनोन्यूक्लोटाइड एफ ए डी ए फ्लेवन एडिन डाय न्यूक्लोटाइड विटामिन बी थ्री न्यासिन है वो तो कॉमन बना दिया आपको पता होगा एन ए डी एन ए डी पी निकोटिन एडिनिन ड निकोटीन निकोटिन एडिनिन ड फोस्फेट विटामिन बी हमारे पास क्या बनाती है पायरीडोक्साइड डॉक्सिल एल फोस्फेट विटामिन बी वन कौन से रिएक्शन करवाती है हमने कहा ना कोजाइम के तौर पे हेल्प करती है तो वो कौन से रिएक्शन है जिसमें विटामिन बी हमारे पास यूज होती है वो रिएक्शन होते हैं डी कार्बो ऑक्सीडेशन के जिसमें कार्बोजायल ग्रुप रिमूव हो जाए डी का मतलब क्या होता है रिमूव करना एफ एम एन और एफ ए डी किस रिएक्शन में काम आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जिसमें विटामिन बी सिक्स और विटामिन बी बी सिक्स हमारे पास किस में काम आती है जिसमें ट्रांस अमाइनेशन हो अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाए या किसी भी ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाए विटामिन बी थ्री जो हमारे पास है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन क्या होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम इसकी डेफिनेशन हाइड्रोजन के टर्म्स में देखें तो ऑक्सीडेशन क्या करता है गेन करता है ऑक्सीजन लेकिन रिमूव करता है हाइड्रोजन रिडक्शन क्या था लॉस ऑफ ऑक्सीजन लेकिन गेन ऑफ हाइड्रोजन ठीक है होपफुली ये सब आपको समझ आ जा जाएगा एनी क्यूरी डू आस्क मी